हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर देख लिया था। उससे पहले हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा स्ट्रेट लाइन पर सेकेंड लेक्चर। उससे पहले 5 मिनट हम ब्रीफ में जो पढ़ा था लास्ट 2 क्लासों में, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे तो जो आपके कंसेप्ट हैं वो यहीं पर याद हो जाएंगे। तो क्लास के लास्ट 5 मिनट में भी हम डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में क्या पढ़ा है, और क्लास के शुरुआत में भी हम पिछली कक्षा का 5-7 मिनट में ब्रीफली रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 2 कोऑर्डिनेट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा हमने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन था कि एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। और यहां से आपके पास आर का जो वैल्यू आई थी वो आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपके पास थीटा की वैल्यू आई थी टेन इनवर्स y अपॉन में x। तो एक तो काम की चीज थी आपके पास ये वाले। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर हमने देखा था कि कोई भी 2 पॉइंट हैं P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट Q है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट थे x2 y2, देन P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने बताया था अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार बताएं, कंफर्म करें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने देखे थे अप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी 3 पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो तो उससे कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं, और 4 पॉइंट हैं तो उसके आपके पास कौन कौन से चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। यह आपके पास होता है विभाजन सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है दूरी सूत्र, और कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक तंत्र। क्या होता है? निर्देशांक तंत्र। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमने 2 फॉर्मूला देखा था। एक तो देखा अंतःविभाजन यानी इंटरनल सेक्शन, और एक था बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल सेक्शन। बाह्य विभाजन यानी अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं पी और क्यू, ये आपके पास कोई पॉइंट P है, ये वाला आपके पास कोई पॉइंट Q है, P के निर्देशांक x1 y1 है, Q के निर्देशांक x2 y2 है, देन कोई बिंदु R है जो इस P और Q को m अनुपात n में विभाजित करता है। किस अनुपात में? m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस R के निर्देशांक क्या होंगे? जब अंतःविभाजन है देन होता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, यानी अंतःविभाजन है तब यहाँ पर साइन किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा, और जब बाह्य विभाजन है तब यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन। ये था आपके पास अंतःविभाजन, यानी कोई बिंदु R है वो P और Q को m अनुपात n में विभाजित करता हो, तो उस केस में इस बिंदु R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हम निकाल सकते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला से। इसके बाद हमने देखा था कि कोई पॉइंट P और Q को कोई लाइन, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0,
किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको वो अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो लेमड़ा अनुपात वन में विभाजित करती है, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से लेमड़ा का मान आया था माइनस का साइन, जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वन वाई वन, वो इसके अंदर पुट करने हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये लेमड़ा है वो आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, लेमड़ा के लिए क्या करना है आपको, ये पॉइंट पहले पुट करना ऊपर, फिर पॉइंट नीचे पुट करना और माइनस का साइन आएगा। अगर लेमड़ा ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो ये विभाजन होगा वो अंतः विभाजन होगा, अंतः है विभाजन होगा। अगर लेमड़ा नेगेटिव है तो उस केस में विभाजन है वो बाह्य होगा, बाह्य विभाजन होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला के बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने देखा था कि अक्षों का क्या करना, हमें रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो अक्षों का रूपांतरण हमने किया था दो तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस यानी अक्षों का रूपांतरण, अक्षों का रूपांतरण यानी आपके पास फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, ओरिजन को फिक्स रखा था, ओरिजन को सॉरी शिफ्ट किया था और एक्सों को फिक्स रखा था यानी उसको रोटेट नहीं किया। तो आपके पास ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई मूल ओ एक्स ओ वाई। फिर हमने क्या किया, इस ओरिजन को उठाकर यहां पर रख दिया, तो इस केस में जो आपके पास नया निर्देशित तंत्र आया ओ डैश एक्स डैश वाई डैश, यहां पर हमने एक्सों की रोटेट नहीं किया, इनको घुमाया नहीं है, सिर्फ मूल बिंदु क्या किया है शिफ्ट किया है या ट्रांसफर किया है। और मान लेते हैं कहां पर किया है, एच कोमा के बिंदु पर इसको शिफ्ट किया है, और ओरिजिन के जो निर्देशांक हैं वो क्या है आपके पास, जीरो कोमा जीरो। तो इस केस में अगर मूल निर्देशी तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई हैं, मूल जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई हैं, तो इस निर्देशित तंत्र नए में उसके निर्देशांक मान लेते हैं एक्स डैश कोमा वाई डैश हैं, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में क्या रिलेशन आएगा। तो यहां से हमने देखा था कि एक्स है वो क्या आया था, एक्स डैश प्लस एच, एक्स आपके पास क्या आया था, एक्स डैश प्लस एच आया था, और वाई आपके पास आया था वाई डैश प्लस में के आया था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, सेकेंड केस में क्या था कि एक्सों को हमने क्या किया था, रोटेट किया था, लेकिन जो आपका ओरिजिन या मूल बिंदु है उसको फिक्स रखा था यानी इसको हमने रोटेट कर दिया, और कितने एंगल पे रोटेट किया है, थीटा एंगल पे रोटेट किया है। तो यह आपके पास मूल निर्देशित तंत्र हो गया ओ एक्स ओ वाई, और ये आपके पास नया निर्देशित तंत्र आ गया ओ एक्स डैश और वाई डैश। तो इस केस में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक मूल में एक्स वाई हैं, तो जो नया निर्देशित तंत्र उसमें कितने होंगे, एक्स डैश वाई डैश होंगे। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन देखा था हमने, एक्स वाई में रिलेशन हमने देखा था कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और ये आपके पास था एक्स डैश वाई डैश। तो ये आपके पास रिलेशन था, अगर आपको एक्स डैश वाई डैश गिवन है और आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स वाई गिवन है, एक्स डैश वाई डैश निकालने हैं, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये हमने देखा था किसमें, जब हम निर्देशी तंत्र को किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं लेकिन ओरिजन को फिक्स रखते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या देखा था कि मूल बिंदु को भी शिफ्ट कर देते हैं और एक्सों को भी रोटेट कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, साथ में एच के है वो जुड़ जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसमें हमने दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और एक्सों के रूपांतरण के बारे में बात की थी। इसके बाद हम आगे बढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा क्या होती है। तो सरल रेखा के बारे में हमने देखा था कि ऐसा वक्र
सरल रेखा के बारे में क्या देखा था कि सरल रेखा एक ऐसा वक्र होता है कि इसके ऊपर कोई भी दो बिंदु उठाएं तो उन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस पर प्रत्येक बिंदु है वो उसी कर्व पे लाई कर जाता है, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या डेफिनेशन देखी थी, एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर कोई भी दो बिंदु उठाओ और उनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर प्रत्येक पॉइंट है वो उसी वक्र पर लाई कर्जा है, तो ऐसे वक्र को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सबसे प्लेन के अंदर जो हम बात करें वो प्लेन में बात कर रहे हैं अभी, तो प्लेन के अंदर जो सिंपलेस्ट कर्व है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सिंपलेस्ट कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होती है इन प्लेन। उसके बाद हमने बात की थी कि सरल रेखा का ज्योमेट्रिकल डिटरमाइन कैसे करेंगे, किसी भी सरल रेखा को हमें पहचानना कि यूनिकली किस प्रकार हम उसको डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने दो कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, या तो आपके पास एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप गिवन हो, यानी पॉइंट प्लस स्लोप। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी उसकी, वन पॉइंट प्लस स्लोप, और दूसरी चीज हमने देखा था क्या था, टू पॉइंट, यानी अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो भी आप उससे एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, और अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है तब भी आप एक यूनिक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर सकते हो या फॉर्मूलेशन कर सकते हो। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक नाम है स्लोप, तो स्लोप क्या होती है किसी स्ट्रेट लाइन की, तो लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि किसी रेखा की स्लोप से क्या मतलब है, कि उस रेखा के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उसके टेन का मान क्या कहलाता है, स्लोप कहलाती है। यानी आपके पास ये, आपके पास कोई भी एक निर्देशी तंत्र है, ओ एक्स क्या कहलाती है इसकी, पॉजिटिव एक्सिस कहलाती है, पॉजिटिव एक्स एक्स कहलाती है, और ओ वाई इसकी पॉजिटिव वाई एक्स कहलाती है। तो अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उसके टेन का मान, यानी टेन थीटा है, वो क्या कहलाती है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कहलाती है। टेन थीटा है वो इस लाइन की स्लोप, यानी कि ढाल, यानी कि प्रवणता कहलाती है। फिर हमने देखा था कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्स के समांतर है, यानी एक्स एक्स के समांतर कोई भी लाइन है, तो वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्स के समांतर जो भी रेखा है उसकी ढाल कितनी होगी, हमेशा ही 0 होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एम की मान कितना आएगा, 0 आएगा। और उसके बाद देखा था वाई एक्स के समांतर सरल रेखा की जो ढाल होती है वो कितनी होती है, नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, और इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दो स्ट्रेट लाइन के आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो लाइन एक्स एक्स के समांतर है तो उस केस में एंगल का मान 0, तो टेन 0 का मान 0, यानी कि स्लोप है वो 0। और अगर लाइन आपके पास वाई एक्स के समांतर है, यानी एक्स एक्स के लंबवत है, तो उस केस में एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो टेन 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन। तो आपको इन दो रेखा की क्या रखना है, स्लोप क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। इसके बाद में हमने देखा था कि एक किसी पॉइंट, दो पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर अपने पास है कोई एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है आपके पास एक्स टू वाई टू। तो इन दो पॉइंट से जो कोई लाइन गुजर रही है तो उसकी स्लोप किस प्रकार निकाली थी हमने कल, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाली थी स्लोप, वो आई थी अपने पास एम इक्वल्स टू एक्स वाई टू माइनस वाई वन, एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये स्लोप आपको ध्यान रखना है जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी, ये क्वेश्चंस भी हमने कल कर, अच्छा किया नहीं था,
तो एक क्वेश्चन करते हैं, कल जो पढ़ा था हमने उस कंसेप्ट पर, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द करो, करो के आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हुज अवशिष आर 1 और 3, यानी करो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पर किसी दो बिंदु स्थित हैं जिनके भुज का मान, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3 है, तो उस केस में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी प्रवणता का कितना मान है, यानी उसकी ढाल कितनी है, आपको बताना है कि उस रेखा की ढाल कितना है। और आप जानते हो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की ढाल कितनी होती है, m इक्वल्स टू एक्स वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन आपको तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 और x2 का मान तो गिवन है लेकिन y2 और y1 का मान नहीं पता। तो y1 और y2 का मान है वो आप किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, तो जो भी करो गिवन है आपको, ये करो गिवन है और ये बिंदु हैं वो इसी करो पर स्थित हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, ये बिंदु इस वक्र में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे अगर y1 चाहिए तो क्या कर सकते हैं अपन, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3। y2 का मान चाहिए तो x की जगह हम 3 रख देंगे तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस 9 × 18 यानी कि आपके पास आ गया है 27। तो आपके पास बिंदु क्या हो गए हैं 1, 3 एंड सेकंड बिंदु हो गया है 3, 27। अब आपके पास दो बिंदु हैं तो स्लोप आप किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है y2 माइनस y1 यानी 27 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि आपके पास ये आ गया है 24 या आपके पास 2 या आपके पास आ गया है 12। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यानी इसकी स्लोप कितनी आ गई है 12 स्लोप आ गई। एक सेकंड रुकना, 12 ऑप्शन नहीं है इस यहाँ पर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हमने कहीं पर, 3 या 9 और ये 6, 9 और 6 15 आएगा, सॉरी ये यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 3 × 2 = 6 प्लस 6 ये आपके पास 15 आ गया है, तो यहाँ पर आपके पास 15 − 12, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ये आ जाएगा 15 − y1 की वैल्यू आपके पास 3 अपॉन 3 − 1 दिस इज इक्वल्स टू 12 / 2 यानी कि 6 यानी ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपके पास अवशिषा गिवन हो यानी भुज गिवन हो या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है y जिसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि गिवन है, तो इस करो की मदद से हम बाकी बचा हुआ, अगर x कोऑर्डिनेट गिवन है तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं और y कोऑर्डिनेट गिवन है तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी स्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं कि आपको दो पॉइंट देंगे और बताओ इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, इतना आसान क्वेश्चन है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने देख ली थी, एक तो थी 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरी थी आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी कि अगर आपके पास कोई बिंदु गिवन है px1, y1 और स्लोप आपके पास गिवन है m, स्लोप कितनी गिवन है आपके पास m गिवन है, तब लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी y − y1, क्या बताई थी y − y1 इक्वल्स टू m टाइम x − x1। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना, बस दो ही चीज़ आपको याद रखनी, उसके अलावा आपको किसी भी फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट आपके पास Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो उस केस में जो लाइन की इक्वेशन वो क्या आएगी, y − y1 इक्वल्स टू y2 − y1 अपॉन x2 − x1 और x − x1। तो ये आपको दूसरी जो लाइन है वो ध्यान में रखना, दूसरी आपके पास ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये 2 पॉइंट फॉर्म और ये है 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लो फॉर्म। तो ये चीज़ आपको दो याद रखनी है, ध्यान में रखनी, याद भी नहीं रखनी, इसको हमने कल देखा था कि किस प्रकार हम निकाल सकते हैं।
तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और पीछे वाली क्लास का हमने यहाँ पर ब्रीफली रिवीजन भी कर लिया है ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की विभिन्न फॉर्म है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप यानी यहां पर आपके पास क्या गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगी जिसकी स्लोप गिवन होगी और वाई एक्स से एक अंतःखंड काटता है वो गिवन होगा। तो यानी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो क्या करती है, वाई एक्स से सी लंबाई का अंतःक्षेप या अंतःखंड काटती है और उसकी स्लोप है वो कितनी है, एम है। आपके पास क्या गिवन है कि एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण बतानी है जो वाई एक्स पे क्या करती है, सी लंबाई का अंतःखंड काटती है या इंटरसेप्ट करती है, और उस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, एम है। तो आपको बतानी है इस सरल रेखा की जो इक्वेशन है वो क्या होगी। मैंने क्या बताया कि सरल रेखा को अगर आपको पहचान करना है तो आपको दो ही चीज़ें देखनी है, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए, दूसरी चीज़ आपको दो पॉइंट मिल जाए। ये चीज़ है वो या तो डायरेक्ट दे देगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट आपको बताएगा, तो आपको वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्लोप गिवन है तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट देखना है, और पॉइंट भी आपको दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि वाई एक्स पे हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और ये डिस्टेंस कितने है, सी डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, जीरो कोमा सी हो जाएंगे। कितने, जीरो कोमा सी। अब आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप आ गई है, तो वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप क्या बता सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, वाई वन का मान कितना है, c है, इक्वल्स टू m की जगह m आ गया, x माइनस एक्स वन का मान कितना है, जीरो है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, और ये इस साइड आकर प्लस c, तो ये आपके पास आ गई है, क्या आ गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंतःखंड रूप आ गया है, जो x c पर वाई एक्सिस पर है, सी लंबाई का अंतःखंड काटती है और उस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, एम स्लोप है। तो ये आपके पास ऐसी सरल रेखा की समीकरण आ गई। अब आपको इस प्रकार की इक्वेशन गिवन है तो आप देख सकते हो कि इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप तो एम है और सी क्या है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। अब आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसको रटना नहीं पड़ा अपने को, अपने को सिर्फ एक चीज़ देखी, एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गई। अब आपसे पूछा जाए कि एक इक्वेशन है जिसकी समीकरण है वाई बराबर दो एक्स प्लस थ्री, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये लाइन है वो आई वाई एक्स पर कितने लंबाई का अंतःखंड काटता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वाई एक्स पर यह तीन लंबाई का अंतःखंड काटता है। इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप तो दो है। तो इस फॉर्म में अगर y का गुणांक इकाई बना लिया जाता है, y का गुणांक इकाई बना लिया जाता है, और जो x का गुणांक आता है वो क्या कहलाती है, हमेशा ही स्लोप कहलाती है। तो यहाँ से आपके पास y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि y का गुणांक तो एक इकाई बनाना है, तो x का जो भी कोफिशियंट होगा वो तो आपके पास स्लोप है यानी कि ढाल है, प्लस जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, इस पर है वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। अब आप यहां से देखकर बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है, वन पॉइंट एंड स्लोप और टू पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। यहां पर आपके पास क्या गिवन है कि एक ऐसी सरल रेखा गिवन है जो अक्षों पर, जो अक्षों पर ए लंबाई और बी लंबाई का अंतःखंड काटती है, यानी एक्स एक्स पे तो वो ए लंबाई का अंतःखंड काटती है और वाई एक्स पर वो बी लंबाई का अंतःखंड काटती है। तब आपको बताना इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन। वापस आपको वही काम करना है, या तो वन पॉइंट और स्लोप या टू पॉइंट।
तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर ये लंबाई a है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, a हो गया। और हम जानते हैं कि x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इसी प्रकार y एक्स पे x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और ये आपके पास b आ जाएगा। तो आपके पास दो पॉइंट हो गए हैं और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप भली भांति जानते हो। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकेंड पॉइंट। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन जीरो इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, तो जीरो माइनस ए और साथ में आएगा एक्स माइनस एक्स वन और एक्स वन आपके पास है ए। तो यहां से आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो यह आ जाएगा वाई अपॉन में बी अपॉन ए माइनस का एक्स माइनस ए। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें, चलो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी एक्स अपॉन में a और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, या आप इसको b को कॉमन ही रखो, b को आप कॉमन ही रखो और इधर डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास है y अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए एक्स माइनस ए। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए और ये माइनस माइनस प्लस वन। और इसको अगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको उस साइड ले जाते हैं तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आप इसको याद करते हो। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में गिवन है, खास क्या बात है इसकी कि इक्वल के उस साइड आपके पास प्लस का वन होना चाहिए, ये नहीं दो तीन चार पाँच हो गया, माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए, वन का साइन होना चाहिए। फिर x का जो कोफिशियंट है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, तो a है वो x एक्स पे काटा गया अंतःखंड है और b है वो आपके पास क्या है, y एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। अब आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको ध्यान में रखना है लेकिन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास स्लोप है तो आप जानते हो टू पॉइंट फॉर्म यूज करना, तो आप इस लाइन की इक्वेशन है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि टू एक्स प्लस फोर वाई बराबर सिक्स, तो आपको बताना है कि इस लाइन के द्वारा एक्स एक्स पर जो काटे गए अंतःखंड हैं उसकी लंबाई कितनी है। तो आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ पर तो वन बनाना है तो इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डिवाइड किया तो एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, यही आएगा ना, फोर बाई सिक्स, टू से कैंसिल टू और थ्री, थ्री बाई टू और दिस इज इक्वल्स टू वन। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पर वन बना लिया तो ये आपके पास आ गया x x पे अंतःखंड एक दो तीन और यहाँ पर आ गया डेढ़, तो ये एक और ये डेढ़, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी। तो ये लंबाई आपके पास थ्री है और ये लंबाई आपके पास थ्री बाई हो जाएगी। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको इस प्रकार से याद रखने की रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर वन, ये कौन सी लाइन को बताती है, ये एक ऐसी लाइन को बताती है जो एक्स एक्स पे अंतःखंड काटती है ए लंबाई का और जो वाई एक्स पे लंब काटती है वो बी इकाई का। बस इस फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट जो आपके पास है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है स्ट्रेट लाइन की, तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको बताना है, एक ऐसी लाइन जिस पर मूल बिंदु से, जिस पर मूल बिंदु से हम लंब डालते हैं जिसकी लंबाई P है, कितनी है P है, और जो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। आपको क्या गिवन है, एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण पूछी है जो जिस पर मूल बिंदु ओरिजिन से लंब डाला गया है उसकी लंबाई तो पी है, और जो लंब है वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। तब आपको उस केस में इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपके दिमाग में दो ही चीजें आनी चाहिए, वन पॉइंट
और आपके पास स्लोप मिल जाए या टू पॉइंट मिल जाए, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं। सिर्फ दो चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें या तो दो पॉइंट मिल जाए या एक पॉइंट या एक स्लोप मिल जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पर स्लोप तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ढूंढने की कोशिश करोगे, दो पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखो ये त्रिभुज लेता हूं, इसको मैं दे देता हूं ए और ये पॉइंट बी दे देता हूं, तो यहां पर ओ ये आपके पास सी है, तो अगर मैं त्रिभुज देखूं ये ओ सी ए ये आपके पास 90 डिग्री का कोण है, तो मैं इस टाइप से बनाने का प्रयास करूं इसको, तो ये सी हो गया है आपके पास, ये ओ है जिसपे एंगल बना अल्फा, और ये आपके पास ए, ये लंब वाला लंबाई है ओ सी, ओ सी आपके पास ये वाली है, इसकी लंबाई पी है, ओ सी आपके पास पी है और आपको क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, तो आप जानते हो ये करण हो गया, तो पी अपोन ओ ए बराबर कितना आ गया, कोस अल्फा आ गया। तो यहां से ओ ए का मान कितना आ जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू पी अपोन में कोस अल्फा, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, पी अपोन में कोस अल्फा आ गई है। अगर ये एंगल आपके पास अल्फा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये आपके पास अगर आप निकालोगे तो ये आधार है, ये आपके पास अगर आप निकालते हो यहां पर है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, पी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगी। इसी प्रकार आप त्रिभुज बनाना और आप निकाल कर देखोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, पी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगी। यहां पर आपको दो पॉइंट मिल गए हैं, पी कोस अल्फा कोमा जीरो, और ये वाला पॉइंट है जीरो कोमा पी अपॉन साइन अल्फा, या तो आप टू पॉइंट फॉर्म लगाओ, अदरवाइज अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है अभी जो बताया था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है और ये वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन में एक्स एक्स अपॉन में पी अपॉन में कोस अल्फा प्लस वाई अपॉन में पी अपॉन में साइन अल्फा इक्वल्स टू वन। यही देखा था ना, क्या था इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन, जहां पर ए क्या होता है, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, और बी क्या होता है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड होता है। तो यहां से हम देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, कोस अल्फा ऊपर आ जाएगा, तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है वो उस साइड चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गई है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन। यहां पर अपने पास अननोन क्या क्या है, एक तो आपके पास अननोन अल्फा है और एक आपके पास पी है, तो आपको ये पता होना चाहिए पी और अल्फा क्या है। आप इस इक्वेशन को याद भी कर लेते हो लेकिन वो समझ में नहीं आता कि पी और अल्फा क्या है, तो पी और अल्फा क्या है कि जो आपकी लाइन की इक्वेशन है इस पर मूल बिंदु से लंब डालते हैं, उस लंब की लंबाई तो पी है, उस लंब की लंबाई तो पी है, और उस लंब द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उस कोण का मान कितना है, अल्फा है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये लाइन की इक्वेशन भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये वाला कोण दे देता अल्फा तो उस केस में चेंज हो जाता, यहाँ पर आ जाएगा एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा बराबर पी। तो ध्यान से देखना है कि कोण है वो कहाँ पर बनाया गया है, पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया गया है या पॉजिटिव वाई एक्स के साथ बनाया गया है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझते हुए ही चलना पड़ेगा। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या आपके पास, सिमेट्रिक यानी सममित फॉर्म या पैरामेट्रिक यानी कि प्राचलिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म और प्राचलिक फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x1 y1 ये आपके पास कोई बिंदु है x1 y1 से पास हो रही है और पॉजिटिव x के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। आपको बताना एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 से पास हो रही है और पॉजिटिव x के साथ थीटा कोण बना रही है। आप कहोगे सर ये तो वही थी वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिल्कुल यही चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो हम 3D में पढ़ते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर वाई माइनस वाई वन बराबर एम जेड माइनस जेड वन अपॉन एन बराबर लेमड़ा, ऐसा रखते हैं ना वहाँ पर, तो इस फॉर्म में हमें लिखने का प्रयास करना है। तो क्या है, ये आपके पास थीटा कोण है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ
टेन थीटा, तो टेन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी एक पॉइंट और लेता हूं मैं यहां पर, इन जनरल ये आपके पास, ये पॉइंट आपके पास कोई भी इन जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स कोमा वाई। तो यहां पर अगर हम देखें ये वाली चीज बनाकर, ये त्रिभुज, ये आपके पास थीटा एंगल होगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई माइनस वाई वन और ये एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगी। तो यहां से आप अगर टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। और यहां से टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कोस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू लेमड़ा। तो ये आपके पास एक प्राचलिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक इक्वेशन का समीकरण है या इक्वेशन है, क्या है, एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो थीटा कोण बनाती है पॉजिटिव एक्स के साथ। तो मान लेते हैं इस लाइन पे कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो टेन थीटा बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये इस साइड लेकर हमने थोड़ा सा क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो किसी पॉइंट, अगर आपसे लाइन पर पूछे किसी लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके चलें, तो यहाँ से क्या लेके चलोगे, एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमड़ा, तो ये आपके पास आएगा एक्स वन प्लस लेमड़ा कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई वन प्लस लेमड़ा साइन थीटा। तो किसी लाइन पर जो पैरामेट्रिक आपको लेने हैं कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के, तो वो आपके पास ये होंगे। तो ये थी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की। एक बार दोबारा हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, वन पॉइंट या पॉइंट स्लो फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म, या दूसरा नाम क्या है इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी इसकी इक्वेशन, इसको आपको ध्यान में रखना है, y माइनस वाई वन, इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जो एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास हो रही है और जिस लाइन की स्लोप कितनी है, एम स्लोप है। दूसरी क्या बताई थी इक्वेशन आपको, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, यानी आपके पास दो बिंदुओं से पास होने वाला लाइन की इक्वेशन, तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, एम का मान वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में वाई टू, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। आपको ध्यान में तो दो ही रखनी है, ये कंसेप्ट आपको दो का ही पता होना चाहिए, बाकी तो आप इनकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। तो थर्ड आपके पास जो फॉर्म थी वो कौन सी थी, वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हमने देखा तो किस प्रकार फाइंड आउट किया था, कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो वाई एक्स पर सी लंबाई का अंतःखंड काटती है, जो वाई सी अंतःखंड काटती है और जिसकी स्लोप कितनी है, एम स्लोप है, तो उस लाइन की इक्वेशन हमने क्या देखा था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी देखा था, यही था, इसकी स्लोप एम है और वाई एक्स पे कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती है, सी लंबाई का अंतःखंड काटती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, जो नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्सों पर एक्स एक्स पे ए लंबाई का अंतःखंड काटती है, वाई एक्स पर बी लंबाई का अंतःखंड काटती हो। तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या बताया था, सोल्व करने के बाद एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन आया था। इसके बाद हमने देखा था परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या थी, कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो क्या करती है, जिसके ऊपर ओरिजन से जो लंब डालते हैं उसकी लंबाई पी है और ये पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बनाती है, अल्फा एंगल, सॉरी अल्फा एंगल बनाती है। तो उस केस में इस सरल रेखा का जो समीकरण आया था वो क्या आया था अपने पास, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू
पी आया था, और जो सबसे लास्ट में अभी पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म। क्या देखा था अभी हमने कि x माइनस एक्स वन अपॉन में कोस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू लेमड़ा, ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। तो ये है स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, आपको ध्यान में दो रखनी है, इनकी मदद से ही आप ये सारी की सारी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये चीज़ें क्या है, कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखकर आपको सोल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें गिवन हैं तो आप इसकी मदद से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको तो ये दो इक्वेशन याद हैं और ये हमेशा याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो या तो पॉइंट हो जाए और एक उस लाइन की स्लोप मिल जाए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास दो पॉइंट मिल जाए जिससे लाइन है वो पास हो रही हो। तो ये आपके पास था इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो लाइन के अंदर आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे और लाइन की इक्वेशन पूछे तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे भी करके मुझे दो पॉइंट मिल जाएँ या उस लाइन की स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले एक और फॉर्म है जनरल फॉर्म, उसको और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आप सभी जानते हो कि एक्स और वाई में लीनियर जो भी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जी। एक्स और वाई में जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की घात है वो वन वन होनी चाहिए, तो वो हमेशा किसको बताती है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को बताती है। तो यहाँ से आप जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वाई को एक साइड रखना है, बी वाई इक्वल्स टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी, और यहाँ से वाई आ जाएगा आपको माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी। ये आपके पास आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपकी स्लोप हो गई है एम का मान, ये आपके पास वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड की लंबाई आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन को आपको चेंज करना है कौन सी फॉर्म में, आपके पास ये इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म हो गई है, आपको करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ इस साइड इकाई बनाना है, यहाँ पर इकाई बनाना है, और तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस का सी ले लिया इधर, यहाँ वन बनाना है तो माइनस सी से डिवाइड कर देंगे, तो ए अपॉन में माइनस का सी एक्स प्लस या माइनस बी अपॉन में माइनस का सी, ये प्लस हो जाएगा वाई इक्वल्स टू वन, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा दिया है, और इसको अब हम और सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स अपॉन में माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन में माइनस सी अपॉन बी इक्वल्स टू वन। तो ये आपके पास आ गई है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या आ गई है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास वाई एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, और ये आपके पास वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से हम जो नॉर्मल फॉर्म है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी था। एक चीज़ खास बात देखो यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट जो भी है उसका गुणांक का स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस लाइन को जब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई का जो कोफिशियंट है इनके स्क्वायर करके और ऐड करते हैं तो वन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए इसका गुणांक वन, तो सबसे पहले एक्स और वाई का जो गुणांक है इसका स्क्वायर करके हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इसका स्क्वायर करो,
ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनको ऐड करो, और ऐड करते हो तो आप देखते हो इनका एडिशन कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और हमें यही करना है। तो सबसे पहले एक्स का गुणांक और वाई का जो भी गुणांक है उनका दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर रूट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर जीरो। अब हमें क्या करना है, ये आपके पास लंब है और आप जानते हो कि ये लंबाई है लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको हमें उस साइड लेना है लेकिन पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिखें ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, या आपके पास आ जाए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई, और इसको इस साइड ले गया तो माइनस का साइन आएगा, तो सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सी आपके पास पॉजिटिव है तो माइनस का साइन लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन ही साइड ले लेंगे। कहने का मतलब है ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पी आपसे पूछ लिया जाए, पी है तो वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस लेना, ये मॉडुलस लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर प्लस रख सकते हो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो इसका माइनस का मॉडुलस ले लेंगे। समझने की बात क्या है, यहाँ पर जो पी है वो पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स और वाई का जो गुणांक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, उनका स्क्वायर का सम करें तो वन आना चाहिए। तो इस जो जनरल फॉर्म है इसको हम चाहें उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। अब हम देखते हैं दो चार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग द इंटरसेप्ट टू फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपके पास क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की समीकरण बतानी है जो क्या करती है, कटिंग द इंटरसेप्ट, दो दो इकाई का इंटरसेप्ट कट करती है, कहां पर, नेगेटिव एक्स के साथ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्स के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ये आपके पास दो लंबाई का अंतःखंड काटती है। उसके अलावा क्या है कि इंक्लाइंड एट 30 डिग्री यानी 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई है द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो यानी ये कोण आपके पास 30 डिग्री है। आपको डायग्राम बनाना है जो जो बोला गया, एक ऐसे सरलरेखा का समीकरण है जो नेगेटिव डायरेक्शन आप जानते हो ओ वाई डैश, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो नेगेटिव डायरेक्शन से दो लंबाई का अंतःखंड काटती है और पॉजिटिव एक्स के साथ 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। तो ये आपके पास एम क्या आ गया, यहाँ से एम का मान आ गया है टेन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन 32, वन अपॉन रूट थ्री सॉरी। दूसरा आपके पास सी का मान कितना आ गया, सी का मान दो आ गया है, माइनस का आएगा, कितना आएगा, माइनस का दो आएगा। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री एक्स प्लस सी का मान कितना आ गया, माइनस का दो, दिस इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और दिस इज इम्प्लाइज रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस दो बराबर जीरो। तो ये लाइन कौन सी, देखो रूट थ्री वाई किस में है, सिर्फ दो इसमें है, अकेले में टू रूट थ्री सॉरी हाँ ये और आएगा ना रूट थ्री से इसको टू रूट थ्री, यहाँ भी रूट थ्री आएगा जब रूट थ्री से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर भी, इस लाइन में भी हमने देखा एक तो पॉइंट, आप चाहो तो ये पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये पॉइंट है आपके पास जीरो कोमा माइनस टू, और ये आपके पास स्लोप आ गई, या तो वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमें ध्यान में है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। आप कहोगे सर हमें ये ध्यान नहीं है, तो क्या करना है, ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो कौन सी इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, वन पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट याद रखनी है। अगर ये ध्यान में है तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो बच जाता है। मैथमेटिक्स में आपको समस्या कहाँ पर आती, मैनेजमेंट में आते, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कम समय में कैसे चीज़ों को सोल्व किया जाए, तो उसके लिए चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। लेकिन याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपने रट ली है, अब आपको ये नहीं पता कहाँ से आते हैं,
याद रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको समझते हुए कंसेप्ट को। अब आप पढ़ा रहे हो, कल को टीचर बनोगे, क्लास में पूछोगे सर ये कैसे आया, अब ये थोड़ी है बोल रट लो ये उत्पत्ति है, ये आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से आया है, मूल उत्पत्ति है वो यहाँ से हुई है। तो ये कंसेप्ट आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 2 एंड कटिंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन, क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -3, 2 से गुजर रही है, -3, 2 से गुजर रही है और साथ में क्या है पॉइंट आपके पास क्या गिवन है पी -3, 2। दूसरी चीज क्या गिवन है कि कटिंग द इंटरसेप्ट इक्वल, इक्वल इंटरसेप्ट अंतःखंड काटती है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन ओपोजिट है, यानी एक्स एक्स पे अगर आपके पास अंतःखंड काटती है ए का तो वाई एक्स पे भी कितने काटेगा ए का ही काटेगा, ये भी ए है ये भी ए है लेकिन साइन ओपोजिट होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो मान लेते हैं कि हम पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये होती है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आप सभी को पता है। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि ए और बी सेम है लेकिन साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बी का मान माइनस ए ले लेते हैं तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन आ जाएगी एक्स अपॉन में ए माइनस वाई अपॉन में बी बराबर 1, बी नहीं सॉरी ए आएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा ए आएगा और ये 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई बराबर ए, साथ में क्या चीज बोला है ए आपके पास क्या है अननोन है, इसको तो फाइंड आउट करना, साथ में क्या बोला है इस पॉइंट से पास होनी चाहिए -3, 2 से, तो x की जगह -3 रख दिया, y की जगह आपने 2 रखा, तो आपके पास a का वैल्यू कितनी आ गई है a बराबर -5 आ गई है। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई बराबर -5 या x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 5 यानी ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, कई बार कैलकुलेशन में क्या है मिस्टेक हो सकती है, तो कैलकुलेशन को एक बार आप दोबारा चेक कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट बता रहे हैं एक्स नागर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो आपको साथ साथ में करता रहना ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ये तो मैंने मेथड बता दिया, अब आपको एग्जाम में कम समय में करना है तो सबसे पहले किसी पॉइंट से पास होने वाले लाइन की बात करें तो आपको पॉइंट रख के देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। पहली बार मैंने इस लाइन में इक्वेशन रखा x की जगह -3, -2, +5, 0 आ रहा है यानी सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर रखा मैंने -3, +2, -5 ये तो 0 ही नहीं रहा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन में x की जगह -3, y की जगह -2 ये आ गया -5 ये तो -10 आ रहा है ये 0, ये कभी हो ही नहीं सकता है। और ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो -3, +2, +5 ये आपके पास कितना आ गया है 7 में से 3 गया 4, 4 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है तो डिस्कार्ड। आपको ये मेथड भी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या गिवन आपके पास, आपके पास गिवन है कि इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन के अंदर रखेंगे तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ये 3 तो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट 1 बच गया। तो ये शॉर्टकट मेथड है, सबसे पहले आपको इस प्रकार ही चेक करना एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे होगा, ये मेन कंसेप्ट भी पता होना चाहिए लेकिन एग्जाम के अंदर आपको शॉर्टकट अपनाना है। तो जैसे आपके पास सर्कल के हो भी 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, तो पहला काम आपका यही है कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखो कि कौन सी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली 2 या 3 इक्वेशन है डिस्कार्ड हो जाते हैं। आपको ये नहीं कि वो पूरा लंबा चौड़ा मेथड से सोल्व करना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द यहाँ पर हाँ इफ इफ वी रिड्यूस
लाइन 3x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 टू द फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, देन वैल्यू ऑफ p. आपको क्या गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जनरल फॉर्म में 3x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0. ये आपके पास जनरल फॉर्म गिवन है, तो आपको क्या बताना है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, तो फिर आपको बताना है पी का मान कितना आएगा. तो आप जानते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स और जो वाई का कोफिशियंट है उनका स्क्वायर करके सम करके डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 का अंडर रूट 18. ये अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18. बस हमें पी का मान पूछा, तो हमें सिर्फ इससे मतलब इसको साइड ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन में अंडर रूट 18 और इसका मोड लेना है, तो पी का मान कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 9 इंटू 2 यानी 3√2. तो ये आपका ऑप्शन है कौन सा, डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. बस एक चीज़ यही ध्यान रखना था यहाँ पर, क्या था कि एक्स और वाई का गुणांक का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है, उसके डिवाइड करना है. P पूछा है तो हमें क्या करना है, बस जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको ध्यान में रखना है, उसको इक्वल के साइन के उस साइड ले जाओ और मॉडुलस लगा दो, आपके पास P आ जाएगा. तो ये आपके पास P आ गया. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि पूछा गया क्या. तो ज्योमेट्री है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है, कब, जब आपको उसकी चीज़ें विजुलाइज होने लग जाएँ, जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, अदरवाइज ज्योमेट्री सबसे हार्ड लगता है. और ज्योमेट्री के अंदर चीज़ें हैं, सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है ज़रूर है, लेकिन चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आसान हैं, तो इसलिए अगर आप ज्योमेट्री को आराम से पढ़ोगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो. तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को फिनिश कर देंगे. तो क्या है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन टू ए गिवन लाइन, यानी दी गई लाइन के समांतर और लंबवत रेखा का समीकरण. पैरेलल क्या होता है आपके पास, समांतर, और परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत. तो आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है, एल मैं ले लेता हूं, एक लाइन एल गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0. इन जनरल लाइन ले ली अपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो आसानी से कर सकते हैं. अब आपको क्या बताना है कि इसके पैरेलल लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन. तो दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, पहले तो आपको ये बताना चाहिए. दो लाइन कोई भी लाइन मान लेते हैं, ये लाइन आपके पास, दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब उनकी स्लोप सेम होगी. ये स्लोप यानी एंगल है वो सेम होना चाहिए, तो टेन का मान भी सेम आ जाएगा. तो यानी जब सेम स्लोप होंगे एम वन यानी एम टू के बराबर है, तो उस केस में स्लोप लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी. क्या होंगे, लाइन है वो पैरेलल होंगे. और परपेंडिकुलर लाइन कब होती हैं, तो ये हम थोड़ी देर में देखते हैं, जब इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस वन आ जाए. ये कैसे आता है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हम देखेंगे कि दो लाइन के बीच में एंगल किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड आउट करेंगे, उस समय हम देखेंगे दो पैरेलल लाइन है उनके लिए स्लोप सेम होती है, और दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो स्लोप होती है वो उनका प्रोडक्ट का मान है वो माइनस वन होता है. तो इनके बारे में हम देखेंगे. एक बार हम मान लेते हैं कि हमें पता है और आपको पता है, मुझे ये भी पता है, ठीक है. तो देखते हैं, तो हमें पहली लाइन L1 चाहिए जो क्या है, पैरेलल है. L1 L के पैरेलल लाइन चाहिए हमें. तो हम जानते हैं कि इस लाइन की स्लोप कितनी है, बताओ भाई इसकी स्लोप कितनी है, y स्लोप का मान कितना है, एम बराबर माइनस का ए बाई बी, यही तो है माइनस का ए बाई बी. तो अगर आप ये लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इसकी स्लोप वाई बराबर माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी, और ये कॉन्स्टेंट आपको फाइंड आउट करना है किसी गिवन कंडीशन की मदद से, और वापस इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमड़ा बराबर 0, जहाँ पर लेमड़ा आपको किसी गिवन कंडीशन की मदद से फाइंड आउट करना पड़ेगा. और अगर आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमड़ा बराबर 0, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इसकी स्लोप कितनी है, माइनस ए बाई बी है, तो उस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, एम टू, वो हो जाएगी बी बाई ए.
क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई बराबर बी बाई ए एक्स प्लस लेमडा डैश मान लेते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए लेमडा डैश, और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए लेमडा डैश बराबर जीरो। और आपको क्या चाहिए, बी एक्स प्लस का यही तो है, इस ए लेमडा डैश को मान लेते हैं नया कॉन्स्टेंट लेमडा। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी गिवन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो इसके पैरेलल यानी इसके समांतर रेखा का समीकरण कौन सा होगा, समांतर रेखा। कुछ नहीं करना है, ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज रखना है, सिर्फ कॉन्स्टेंट को चेंज करना है, नया कॉन्स्टेंट आएगा लेमडा, जिसको हम किसी गिवन कंडीशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, ए और बी को चेंज करना है, ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो, और माइनस का साइन लगा दो बीच में। आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो, और लेमडा है वो किसी गिवन कंडीशन की मदद से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी समीकरण गिवन है स्ट्रेट लाइन की, तो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है वो क्या होती है। ये रिजल्ट क्या, मेन कंसेप्ट क्या है कि जो पैरेलल है तो m1 बराबर m2, और परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल आता है। इसका यूज करके हमने ये लिखे हैं, अब हमें इसको याद रखना है, बार बार ये नहीं कि हम ये लिखें और याद करें। याद करने का मैंने तरीका बता दिया है, जब लाइन पैरेलल है तो कॉन्स्टेंट को अलग करना है, जिसको गिवन कंडीशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब लाइन परपेंडिकुलर है तो ए और बी को आपस में चेंज कर दो और बीच में माइनस का साइन लगा दो। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, यहां पर 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y प्लस लेमड़ा बराबर 0। ये पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल कितने लाइन, एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, सारी लाइन है ये इसके पैरेलल हैं, तो लेमड़ा का जैसे जैसे मान चेंज करते रहेंगे इनफाइनाइट मिल जाएंगे। लेकिन आपको बोलते कि इस लाइन के पैरेलल बतानी है और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन से पास होनी चाहिए, तो उस केस में जो लाइन मिलेगी वो आपको यूनिक मिलेगी, क्योंकि ये सारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास नहीं होगी, सिर्फ ये होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट से हम सेटिस्फाई करेंगे तो लेमड़ा क्या हमें यूनिक मान मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बताओ तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस का साइन टू वाई प्लस लेमडा बराबर जीरो, और लेमडा का मान वापस किसी गिवन कंडीशन के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये है कोई भी लाइन गिवन है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो ये था आप आज की क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी लाइन को ज्योमेट्रिकली किस प्रकार हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ वही है कि आपके पास एक पॉइंट और स्लोप मिल जाए या दो पॉइंट मिल जाए। उसके बाद हमने देखा था कि लाइन की स्लोप से हम क्या समझते हैं, तो स्लोप क्या होता है किसी लाइन की, कि लाइन की स्लोप से मतलब है कि उस लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उस कोण के टेन का मान। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो पॉजिटिव एक्स के साथ होना चाहिए और दूसरी चीज़ उसके टेन का मान होना चाहिए, टेंजेंट का मान होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो दो फॉर्म है मेन कौन सी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का दूसरा नाम है वन पॉइंट फॉर्म। उसके बाद इनकी मदद से हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें थी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके अलावा थी नॉर्मल फॉर्म, उसके अलावा थी सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की इक्वेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे लास्ट में हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा एक सरल रेखा को डिनोट करती है या निरूपित करती है, और उसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशंस हैं या दूसरी फॉर्म है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने क्या देखा था कि ऐसी कोई गिवन लाइन है आपके पास जनरल, तो उसकी मदद से हम उसके पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन है उसको किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास सरल रेखा के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि दो लाइन है
वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। आपके पास कि दो लाइन है, ये L1 है, ये आपके पास L2 लाइन है, तो L1 और L2 लाइन इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर कर सकती हैं, एक पॉइंट पर कर सकती है, एक से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करें, पैरेलल हो जाएं तब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जब ये लाइनें क्या हो जाएँ, संपाती हो जाएँ, कोइंसिडेंट हो जाएँ, तो एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट से कितने लाइनें खींच सकते हो, आप जानते हो कि एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि वो एक स्पेशल पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही लाइन होगी, इसके अलावा कोई भी लाइनें नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में कोण कितना होगा, उस थीटा के बारे में देखेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, जीरो डिग्री होता है, कितना, जीरो डिग्री होता है। लेकिन इंटरसेक्ट करती हैं तो उस एंगल का मान देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनकी सारी कंडीशन के बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी टाइम से क्लास में जुड़ा करें, और उसके बाद नोट्स है वो आपको पीपीटी है वो, इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो यहाँ तक आप सभी साथियों को समझ आया होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, और जैसे स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे सर्कल, वो सर्कल के अंदर स्ट्रेट लाइन का काफ़ी योगदान रहेगा। तो ज्योमेट्री को अगर आप समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए आगे चलोगे तो बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है वो ज्योमेट्री है। लेकिन अगर आपने रटने का प्रयास किया तो ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट बन जाए। तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, क्लास के बाद भी और क्लास में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है।